आज मैं आप लोगों को डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स पढ़ाने जा रहा हूँ और डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स सेंटेंस लेवल पर हम लोग पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को जो एडजेक्टिव का फॉर्मेशन बताया था वर्ड लेवल का था, जिसमें हम लोग एक वर्ड को पॉजिटिव से कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव में बनाना सीखे थे और उसके कई नियम भी थे। लेकिन आज सेंटेंस लेवल पर इस चीज़ को हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग इस बात को फिर से रिपीट करें कि जो एडजेक्टिव्स हैं, इस एडजेक्टिव्स के कितने फॉर्म हैं? तो इस एडजेक्टिव के तीन फॉर्म हैं और इसी तीनों फॉर्म का नाम दिया गया है डिग्री। एडजेक्टिव्स के जो तीन फॉर्म हम लोग अभी लिखने वाले हैं, इसी तीनों फॉर्म का नाम है डिग्री, या आप डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स कह सकते हैं। तो पहला जो इसका फॉर्म है, इसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव डिग्री। डिग्री का अर्थ होता है अवस्था और पॉजिटिव का अर्थ होता है मूल, यानी इसका अर्थ निकला मूल अवस्था, ठीक है। दूसरा जो इसका फॉर्म होगा, इसका नाम है कंपैरेटिव डिग्री। और कंपैरेटिव डिग्री का अर्थ यदि निकाला जाए तो यह होगा तुलनात्मक अवस्था। इसमें हम लोग तुलना करते हैं, ठीक है। तीसरा है सुपरलेटिव, सुपरलेटिव डिग्री, और यह सर्वोत्तम अवस्था होता है एडजेक्टिव का, इसलिए हम लोग इसको उत्तमा अवस्था का नाम देंगे। अब तीनों का अगर एक एग्जाम्पल से हम लोग क्लियर करें तो देखिए क्या होगा। एक हो जाएगा टॉल, टॉल आपका पॉजिटिव डिग्री हुआ, मतलब एडजेक्टिव का वह अवस्था जो मूल अवस्था के रूप में होता है, बेसिक। दूसरा जो है टॉलर, टॉलर में ई आर को जोड़ा गया, क्योंकि जनरली जब हम लोग पॉजिटिव एडजेक्टिव में ई आर को जोड़ देते हैं तो कंपैरेटिव बन जाता है। और तीसरा हो जाएगा टी ए डबल एल ई एस टी, यानी जब हम लोग पॉजिटिव डिग्री में ई एस टी को ऐड कर देते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री बन जाता है। तो यही है वर्ड फॉर्मेशन। देखिए पॉजिटिव से कॉम्परेटिव बना, कॉम्परेटिव से सुपरलेटिव, पॉजिटिव कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। अब आज हम लोग इसी चीज़ को सेंटेंस के रूप में जानेंगे। तो देखिए एक सेंटेंस है, ही इज टॉल, और इस सेंटेंस में देखिए टॉल का यूज किया गया। टॉल एडजेक्टिव है, कौन सा एडजेक्टिव है? पॉजिटिव डिग्री, यानी पॉजिटिव एडजेक्टिव है। तो इसलिए इस पूरे सेंटेंस को हम नाम दे सकते हैं क्या? पॉजिटिव डिग्री, यानी इस सेंटेंस को भी हम पॉजिटिव डिग्री ही कह सकते हैं। लेकिन इस पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में आप देखेंगे कि ये जो टॉल है, ही की विशेषता को बता रहा है, वह लंबा है, ही इज टॉल। यानी यहाँ पर सब्जेक्ट को देखा जाए तो सब्जेक्ट अकेला है, एक ही सब्जेक्ट है, किसी से समानता इसकी नहीं की गई है। अब इसका, इसको वन का ए बना देते हैं, अब वन का बी लेते हैं, मतलब दूसरी एग्जाम्पल। तो दूसरी में हम क्या करेंगे, जैसे ही इज एज टॉल एज यू, और इस सेंटेंस को यदि हम लोग नाम दें तो यह भी आपका क्या होगा? पॉजिटिव डिग्री ही होगा। और पॉजिटिव डिग्री होने का वजह क्या होगा? तो देखिए वजह यह होगा क्योंकि इसमें पॉजिटिव डिग्री का यूज किया गया है, यानी वर्ड का यूज किया गया है, और इसी वर्ड के कारण ये पूरा सेंटेंस को हम लोग पॉजिटिव डिग्री कहेंगे। तो ऊपर वाला सेंटेंस में और नीचे वाला सेंटेंस में देखिए डिफरेंस क्या है, कि ऊपर में सब्जेक्ट एक था, लेकिन इसमें देखिए ही एक सब्जेक्ट हुआ और यू भी आपका यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ। इसमें सब्जेक्ट वन और सब्जेक्ट टू, मतलब दो सब्जेक्ट आए हुए हैं, लेकिन ऊपर वाला में सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट था। जब दो सब्जेक्ट की समानता को बतलानी हो तो एज और एज के बीच में हम लोग पॉजिटिव डिग्री को रखेंगे, ठीक है। फिर से एक बार इस बात को सुने, जब दो सब्जेक्ट की समानता को बतानी हो तो वैसे कंडीशन में जो पॉजिटिव डिग्री होगा या एडजेक्टिव होगा, इसी का नाम है पॉजिटिव डिग्री या
एडजेक्टिव। तो जो पॉजिटिव डिग्री होगा उसको एज और एज के बीच में रखा जाता है, ठीक है। इसका अर्थ क्या हुआ, ही इज एज टॉल एज यू का मतलब वह उतना ही लंबा है जितना कि तुम, ठीक है। यानी इसमें दो सब्जेक्ट की समानता को दर्शाई गई है। तो देखिए पॉजिटिव तो ऊपर वाला भी था, पॉजिटिव डिग्री नीचे वाला भी है, लेकिन दोनों सेंटेंस में अंतर है। हम लोग पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाना सीखेंगे, आगे मैं इसका रूल आप लोगों को बताऊंगा। हम लोग क्या सीखेंगे, पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री में बदलना। लेकिन पॉजिटिव से जो डिग्री कंपैरेटिव डिग्री हम बनाएंगे वो ऊपर वाले का नहीं बनेगा, नीचे वाले का बनेगा, ठीक है। यानी जब दो सब्जेक्ट रहेगा तभी हम लोग कंपैरेटिव बना पाएंगे। तो दो सब्जेक्ट वाले का हम लोग कंपैरेटिव बनाना सीखेंगे, ऊपर वाले का कंपैरेटिव डिग्री नहीं बन पाएगा। अब आते हैं, ये तो एक नंबर का हुआ, यानी फर्स्ट नंबर हुआ जो कि पॉजिटिव डिग्री में है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हम इसी को ऐसे लिखें, ही इज टॉलर देन यू, तो इस कंडीशन में आप देखेंगे कि जो टॉल का टॉलर हुआ ये कंपैरेटिव डिग्री है, और इसी कंपैरेटिव डिग्री की वजह से या एडजेक्टिव की वजह से ये पूरा का नाम हम लोग दे देंगे कंपैरेटिव डिग्री। ये पूरे का नाम ही हो गया कंपैरेटिव डिग्री। वजह क्या है, टॉलर ईआर लगना, ठीक है। ईआर लगने की वजह से ये कंपैरेटिव बना, और इसलिए पूरे सेंटेंस को मैंने बता दिया कि यह कंपैरेटिव डिग्री है। थर्ड नंबर, ही इज द टॉलेस्ट बॉय, तो इस सेंटेंस में आप देखेंगे कि ही इज द टॉलेस्ट बॉय जो हुआ, इसमें टॉलेस्ट जो है टॉल का सुपरलेटिव डिग्री है यानी एडजेक्टिव है, और इस वजह से इस सेंटेंस का हम लोग नाम क्या दे देंगे, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। तो मैंने कुछ सेंटेंसेज को लिखकर आप लोगों को यह दिखाने का प्रयास किया कि पॉजिटिव कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस किस तरह के होते हैं। ये पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस है जो दो मोड में मैंने लिखा हुआ है, सेकंड में जो कंपैरेटिव है इसमें कंपैरेटिव एडजेक्टिव लगा हुआ है, साथ में देन का प्रयोग किया गया है, और सुपरलेटिव में सुपरलेटिव एडजेक्टिव लगा हुआ है और इसके पहले द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। अब हम लोग एक एक कर यानी पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाने का पहले नियम जानेंगे। ऐसे अगर हम लोग इस पूरे का ट्रांसफॉर्मेशन करें तो बदलाव देखिए कितने तरह से किया जा सकता है। यानी कोई सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में है तो हम इसे कंपैरेटिव डिग्री में बदल सकते हैं, या तो ये एक तरीका हुआ, या दूसरा तरीका, यदि कोई सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री में है तो हम इसे पॉजिटिव में बदल सकते हैं। दो तरीका, यदि कोई सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में है तो हम इसे सुपरलेटिव में बदल सकते हैं, और यदि कोई सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री में है तो इसे पॉजिटिव में बदला जा सकता है। ठीक इसी तरह से यदि कोई सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री में है तो हम इसे सुपरलेटिव में बदल सकते हैं, और यदि सुपरलेटिव डिग्री में है तो हम इसे कंपैरेटिव में बदल सकते हैं। कुल मिलाकर हम लोग इस सेंटेंस को यदि ट्रांसफॉर्मेशन करना जाने तो छह तरीका से होगा, पॉजिटिव से कंपैरेटिव, फिर कंपैरेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से सुपरलेटिव, सुपरलेटिव से पॉजिटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव, और सुपरलेटिव से कंपैरेटिव। तो पहला तरीका होगा पॉजिटिव से कंपैरेटिव जानने का। देखिए पॉजिटिव से कंपैरेटिव में बदलने के कुछ नियम हैं। यदि हम लोग पॉजिटिव डिग्री से चाहें कि कंपैरेटिव में बदल दें तो इसके लिए हम लोगों को कुछ नियम को फॉलो करना होगा। पॉजिटिव से कंपैरेटिव में बदलने के नियम क्या हैं, तो पहला नियम यह होगा कि जो पॉजिटिव डिग्री में यानी सेंटेंस में सब्जेक्ट वन रहेगा, इस सब्जेक्ट वन को लेके हम लोग चले जाएंगे सब्जेक्ट टू के स्थान पर, यानी अंतिम वाले पे।
और जो सब्जेक्ट टू रहेगा यानी अंत वाला, वह लेकर चले आना है सब्जेक्ट वन के स्थान पर। यानी आप इसे ऐसे समझ सकते हैं आसानी से कि जो शुरू वाला सब्जेक्ट रहेगा और बाद वाला, तो बाद वाला को ला देना है कहाँ पर, शुरू में, और इस शुरू वाले को लेके चले जाना है कहाँ पर, बाद में। देखिए सब्जेक्ट वन टू के जगह पर चला गया और जो सब्जेक्ट टू है ये सब्जेक्ट वन के जगह पर चला आया, ठीक है, यही करना है, पहला नियम ये हो गया, ठीक है। सेकेंड रूल क्या रहेगा, तो सेकेंड रूल रहेगा कि सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब आता है, या ये कहें कि जो सेंटेंस होता है, अगर वह सेंटेंस अफर्मेटिव में है यानी सकारात्मक है, तो इस सकारात्मक को हम लोगों को बदलना होगा नकारात्मक में, मतलब निगेटिव में। और निगेटिव में बदलने का आसान तरीका क्या है कि देखिए, मान लीजिए कि अफर्मेटिव में ऑक्सिलियरी वर्ब के बाद नॉट नहीं लगा है, ठीक है, नॉट नहीं लगा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें ऑक्सिलियरी वर्ब के बाद नॉट को ऐड कर देंगे, तो ये निगेटिव बन गया। और यदि ऐसा होता कि अफर्मेटिव में अफर्मेटिव ना होकर ये निगेटिव ही होता, यानी जो पॉजिटिव सेंटेंस है या नकारात्मक में होता, तो इसमें क्या होता कि जो आपका ऑक्सिलियरी वर्ब है इसके साथ नॉट लगा होता, तो हम लोग क्या करेंगे कि जब इसको कंपैरेटिव में बदलेंगे तो नॉट को सिर्फ हटा देना है, तो यह अफर्मेटिव में चला जाएगा, ठीक है। निगेटिव से अफर्मेटिव में बदलने का तरीका क्या है कि इस नॉट को हम लोग यहाँ से रिमूव कर देंगे, बस नॉट को हटा देंगे, ठीक है। तो यानी नियम क्या बना कि जब नॉट लगा रहेगा, सॉरी, जब नॉट नहीं लगा रहेगा तो नॉट लगा देंगे, निगेटिव में बदल जाएगा, और यदि नॉट लगा रहेगा यानी निगेटिव में रहेगा तो नॉट हटा देंगे, तो यह चला जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस में, ठीक है। तीसरा नियम यह रहेगा कि जो पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा वह तो एज और एज के बीच में रहेगा, या हो सकता है कि सो और एज के बीच में लगा हो, तो हम लोग को क्या करना है कि इसको हटा देना है, और इन दोनों को हटाकर, ठीक है, एज एज को हटाना है, सो एज को हटाना है, और जो इसके बीच में इस जगह पर जो भी एडजेक्टिव आया हुआ रहेगा उसमें ई आर लगा देना है या मोर लगा देना है। यानी हम लोग यहाँ पर उसको बदल देंगे कंपरेटिव एडजेक्टिव के रूप में, और तब लास्ट में लगा देना रहेगा देन, और तब फिर अपना जो सब्जेक्ट होगा वो आ जाएगा। तो देखिए नियम क्या हुआ, पहला नियम कि सब्जेक्ट वन सब्जेक्ट टू के जगह पर और सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वन के जगह पर। दूसरा नियम कि अफर्मेटिव है तो निगेटिव में बदल दो और निगेटिव है तो अफर्मेटिव में बदल दो, यानी नॉट नहीं लगा है तो कंपरेटिव में नॉट लगा दो, और यदि नॉट लगा है तो कंपरेटिव में नॉट को हटा दो। तीसरा नियम ये रहेगा कि एज और सो एज, एज एज और सो एज को रिमूव कर देंगे, इसको हटा देना है, और इसके बीच में जो भी पॉजिटिव एडजेक्टिव आया हुआ रहेगा, इसके बीच में पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा, तो इस पॉजिटिव एडजेक्टिव को हमें कंपरेटिव एडजेक्टिव में बदल कर और तब देन को लगा देना है। तो ये आपका पॉजिटिव से कंपरेटिव बनाने का नियम हुआ। अब कुछ एग्जाम्पल्स को समझा जाए, जैसे पहला एग्जाम्पल, ही इज एज टॉल एज यू, ठीक है। पहला एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि यह पॉजिटिव डिग्री है और इसे हम लोग को कंपरेटिव में बदलना है, ठीक है, इसे क्या में बदलना है, कंपरेटिव में। तो कंपरेटिव में बदलने के लिए नियम तो मेरे पास है, बनाएंगे कैसे, बस आप लोग ध्यानपूर्वक इसे समझें। देखिए ही सब्जेक्ट वन है, यू सब्जेक्ट टू है। एक बात याद रखना है कि डिग्री में सब्जेक्ट दो अगर रहेंगे तो ही हम लोग कंपरेटिव इसको बदल कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। साथ में इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, अंत में ऑब्जेक्ट नहीं होता है, किसी किसी सेंटेंस में मिलेगा वैसा सेंटेंस को हम बताएंगे, जनरली सब्जेक्ट वन और टू रहता है, तो ये भी सब्जेक्ट है, अंत वाला भी सब्जेक्ट है, ठीक है। या आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं कि एज और देन के बाद आने वाला सब्जेक्ट होता है, ठीक है, एज और देन के बाद जो आएगा वह क्या रहेगा, सब्जेक्टिव केस रहेगा। ऑब्जेक्टिव केस के कुछ नियम है वो आगे मैं आप लोग को बता दूंगा। तो देखिए कंपरेटिव में बनाने के लिए करना क्या है कि यू को पहले ला देना है, मतलब जो लास्ट में है इसे हम लोग पहले ला देंगे, यू पहले आ गया, चूंकि ही के अनुसार इज लगा है तो यू के अनुसार तो हम लोग आर लगाएंगे। देखिए इज, आर और एम या एक कैटेगरी के हैं, मतलब ये प्रेजेंट टेंस के हैं,
और ये आपस में बदल सकते हैं, यानी ही के साथ इज लगना है, लगा हुआ है, यू के साथ तो इज लगेगा नहीं, आर लगा देंगे। यदि इस जगह पर आई होता तो आई के साथ हम लोग एम लगाते हैं, यू आर। अच्छा, हमने देखा कि ऊपर नॉट नहीं है तो इसमें नॉट लगा देंगे, और यदि ऊपर नॉट होता तो इसमें नॉट नहीं लगाते हैं, यू आर नॉट। अब यहाँ से एक और नियम देखा जाए, थर्ड रूल, कि एज और एज को हटा देना है, तो ये एज और ये एज हट जाएगा। टॉल पॉजिटिव है तो इसका कंपैरेटिव बदल देंगे, टॉलर हो गया। और यही कंपैरेटिव बदलने के लिए हम लोग सीखे थे वर्ड फॉर्मेशन, यानी एडजेक्टिव का फॉर्मेशन करना। तो टॉल का आप लोग जानते हैं कि कैसे बनेगा, ईयर लगाकर टॉलर। यदि यह दो या दो से अधिक सिलेबल का होता तो हम लोग मोर लगाते हैं, ठीक है। यू आर नॉट टॉलर, और टॉलर के बाद क्या लगाना है, देन, और तब जो सब्जेक्ट वन है ये लास्ट में चला जाएगा, यानी ही का इस जगह पर आ जाएगा ही। याद रहे कि ही का हीम नहीं करना है, ही का हीम नहीं करना है। अगर आप हीम करोगे तो गलत होगा, क्योंकि सब्जेक्ट को आप तो ऑब्जेक्ट में बदल रहे हैं, और ऐसा होगा नहीं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में इसमें नहीं बदलता है, दोनों सब्जेक्ट ही होता है, ठीक है। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, मोहन इज नॉट सो गुड एज रोहन। अगर इस एग्जांपल को हम लोग देखें तो यह भी पॉजिटिव में है, क्योंकि गुड यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री लगा हुआ है, और इसे हम लोग यदि कॉम्परेटिव में बदलें तो देखिए इसे कैसे बदला जाएगा। पहले हम लोग किसको लाएं, रोहन को, क्योंकि सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वन के जगह पर आएगा। रोहन सब्जेक्ट टू है, मोहन सब्जेक्ट वन है, मैंने रोहन को पहले ला दिया। रोहन इज लगा है, चूंकि नाम है तो इसमें भी इज लगेगा। नॉट इसमें क्या करेंगे, हटा देंगे, यानी नीचे वाला में नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब रोहन इज सो और एज भी हट जाएगा। गुड का कॉम्परेटिव क्या होता है, तो इसे आप लोगों को याद रखना होगा, बेटर, और जब भी कॉम्परेटिव डिग्री आएगा देन आएगा, तो रोहन इज बेटर देन मोहन सब्जेक्ट वन है, ये चला जाएगा अंत में, यानी सब्जेक्ट टू के स्थान पर, ठीक है। तो आप लोग समझ पा रहे हैं, देखिए एक बार इसे अर्थ से देख लिया जाए कि दोनों का अर्थ कहीं बदल तो नहीं रहा है। ही इज एज टॉल एज यू, ऊपर वाला का मतलब हुआ वह उतना ही लंबा है जितना कि तुम, नीचे कॉम्परेटिव है, यू आर नॉट टॉलर देन ही, नीचे कह रहा है कि तुम ज़्यादा लंबे नहीं हो उससे। दोनों का अर्थ समझा जाए, सेम अर्थ है, देखिए सेंटेंस वाले ही बदला है लेकिन अर्थ दोनों का सेम है। ही इज एज टॉल एज यू मतलब तुम उतना ही लंबे हो जितना कि, वह उतना ही लंबा है जितना कि तुम, दोनों की लंबाई मान लें कि 5 फीट है तो दोनों 5 फीट है। नीचे आते हैं, यू आर नॉट टॉलर देन ही, यानी अब बताया जा रहा है कि तुम ही से ज़्यादा लंबे नहीं हो, जितना ही है उतना ही यू, यानी तुम भी हो। तो यानी दोनों में देखा जाए तो नॉट को लगाकर ऊपर वाला और नीचे वाला का अर्थ कैसे इक्वल किया गया, तो ऊपर वाला में नॉट नहीं था, नॉट लगाने से अर्थ को सेम कर दिया गया। सेम दो नंबर पे आते हैं, मोहन इज नॉट सो गुड एज रोहन, मोहन उतना अच्छा नहीं है जितना कि रोहन, यानी यहाँ पर दोनों अच्छे नहीं है, ठीक है, दोनों एक दूसरे से असमान है। मोहन इज नॉट सो गुड, मोहन उतना अच्छा नहीं है जितना कि रोहन, मोहन मोहन इज नॉट सो गुड एज रोहन का अर्थ हुआ कि मोहन उतना अच्छा नहीं है जितना कि रोहन, यानी यहाँ पर अच्छा कौन है, मोहन अच्छा है या रोहन अच्छा है। दूसरे जो दूसरा एग्जांपल है, मोहन इज नॉट सो गुड एज रोहन में अगर देखा जाए तो मोहन इज नॉट सो गुड, मोहन उतना अच्छा नहीं है जितना कि रोहन, यानी इस एग्जांपल में रोहन अच्छा है, मोहन अच्छा नहीं है। नीचे देखा जाए, रोहन इज बेटर देन, रोहन अच्छा है किससे, मोहन से, बेटर देन यानी मोहन से अधिक अच्छा है, तो यहाँ पर भी तो रोहन ही अच्छा है, ठीक है। तो यानी दोनों में आप देख रहे हैं कि जब पॉजिटिव से हम लोग कंपैरेटिव बदल रहे हैं तो भले ही सेंटेंस लिखने का तरीका चेंज हो जा रहा है, अफर्मेटिव से निगेटिव हो जा रहा है, लेकिन दोनों का मीनिंग सेम होना चाहिए। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन में हम लोग जब पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाएंगे
या कॉम्परेटिव से पॉजिटिव बनाएंगे तो याद रहे कि दोनों का अर्थ बदलना नहीं चाहिए। अर्थ नहीं बदलना ही ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। अर्थ को यदि हम लोग नहीं बदलें, सेंटेंस का स्ट्रक्चर को बदल दें, तो ऐसे को हम लोग कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम लोग पॉजिटिव से कॉम्परेटिव बनाना तो सीख लिए, पॉजिटिव था कॉम्परेटिव बनाना सीख लिए, अब कॉम्परेटिव से पॉजिटिव बनाना सीख लेते हैं। देखिए कॉम्परेटिव से पॉजिटिव, तो जब कॉम्परेटिव से पॉजिटिव बनाएंगे तो जितना भी पॉजिटिव से कॉम्परेटिव बनाने का रूल है वही सारा लागू होगा, बस एक रूल यहाँ पर चेंज होगा। देखिए करना क्या है, जब कॉम्परेटिव डिग्री रहेगा तो कॉम्परेटिव डिग्री में जो एडजेक्टिव रहेगा वह कॉम्परेटिव एडजेक्टिव रहेगा, और इसमें लगा क्या रहेगा, देन लगा रहेगा। कॉम्परेटिव एडजेक्टिव के साथ इसमें क्या लगा रहेगा, देन। हम लोग को करना क्या है कि इस कॉम्परेटिव एडजेक्टिव को, यानी जो ये कॉम्परेटिव एडजेक्टिव होगा, इस कॉम्परेटिव एडजेक्टिव को पॉजिटिव में बदल लेना होगा, और पॉजिटिव में बदलने के साथ साथ इसे एज और एज के बीच में रख देना होगा। ठीक है, आया सो और एज के बीच में रख देना होगा। ठीक है, देखिए कॉम्परेटिव से पॉजिटिव बनाने के नियम में बस एक नियम हम लोग परिवर्तन करेंगे, जो पॉजिटिव से कॉम्परेटिव बनाने का नियम था। यानी हम लोग जब कॉम्परेटिव से पॉजिटिव बनाएंगे तो जो कॉम्परेटिव एडजेक्टिव होगा इसे पॉजिटिव में बदल देंगे। जैसे अगर यहाँ पर टॉलर देन है तो हम टॉलर देन को यहाँ पर एज टॉल एज लिखेंगे। सो एज 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 ये दोनों का यूज सीख लें। एज और एज जो होता है, यहाँ पर लिखते हैं एज और एज जो होता है, इसका यूज हम लोग करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में भी, यानी सकारात्मक में भी और नकारात्मक में भी, दोनों में इसका यूज किया जा सकता है। लेकिन जब सो और एज आएगा तो इसका यूज सिर्फ और सिर्फ निगेटिव सेंटेंस में होता है। यदि अफर्मेटिव में यूज हो भी गया है तो इसको रॉन्ग समझ लेना है, ये गलत है। यानी सो एज निगेटिव में लगाना है, जबकि एज और एज दोनों में लगा सकते हो, अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों में, हाँ या ना दोनों वाले वाक्य में, जबकि सो और एज कहाँ पर लगेगा, सिर्फ ना वाले वाक्य में। ठीक है, तो ये हो गया। अब एक एग्जांपल लेते हैं कॉम्परेटिव से पॉजिटिव का। तो कॉम्परेटिव में हमने लिखा यू आर टॉलर देन रोहन, यू आर टॉलर देन रोहन, बनाना है क्या, तो बनाना है पॉजिटिव डिग्री। तो देखिए कैसे बनेगा, ये तो सब्जेक्ट वन है और ये सब्जेक्ट टू है। सबसे पहले सब्जेक्ट टू को लाना है, यानी जो पॉजिटिव से कॉम्परेटिव का नियम था वही नियम यहाँ पर भी लागू होगा। रोहन को लाएंगे पहले, सब्जेक्ट टू पहले आ गया, सब्जेक्ट टू पहले आ गया रोहन। यू के साथ आर, रोहन के साथ आर तो लगेगा नहीं, इज लगेगा। अच्छा, इस वाक्य में नॉट नहीं है, हम लोग यहाँ पर नॉट को लगाएंगे। ठीक है, नॉट नहीं रहने पर लगाएंगे, होता तो हटा देते हैं। रोहन इज नॉट, अब देखिए टॉलर देन आ गया, और इसी का नियम यहाँ पर मैंने बताया है कि कॉम्परेटिव और देन को क्या करना है, हटाकर पॉजिटिव के रूप में लाना है। टॉलर का पॉजिटिव क्या हो जाएगा, टॉल, और देन को भी हटाना है तो एज और एज इसके आगे पीछे डाल देना होगा, एज और एज, और तब जाकर जो यू रहेगा सब्जेक्ट वन या लास्ट में चला आएगा सब्जेक्ट टू के जगह पर। ठीक है, सब्जेक्ट टू के जगह पर सब्जेक्ट वन आ जाएगा। तो देखिए रोहन इज नॉट एज टॉल एज यू, आप चाहें तो इस एज के जगह पर सो भी लगा सकते हो, क्योंकि एज तो निगेटिव में यूज हो ही सकता है, और साथ में यदि सो भी मिल जाए तो घबराना नहीं है, सो सिर्फ निगेटिव में ही लगता है, तो रोहन इज नॉट सो टॉल एज यू भी हो सकता है। तो इस तरह से मैंने कॉम्परेटिव से पॉजिटिव और पॉजिटिव से कॉम्परेटिव ये दोनों बदलना आप लोगों को सिखा दिया। अब हम लोग पॉजिटिव और कॉम्परेटिव डिग्री से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स को और सीखेंगे। देखिए पॉजिटिव और कॉम्परेटिव से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स है,
जो आप लोग को जानना बिल्कुल ज़रूरी है। पहला रूल यह होगा कि यदि सेंटेंस में एज एज, सो एज या देन लगा रहे तो इन सब के बाद हम लोग सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इन सब के बाद क्या का इस्तेमाल करना है, सब्जेक्ट, तब जाकर आपका सेंटेंस सही होगा, ठीक है। एग्जाम्पल से इसे समझा जाए, यू आर एज गुड एज मी। तो देखिए इस क्वेश्चन में कहीं रॉन्ग दिख रहा है क्या, यू आर एज गुड एज मी, हाँ दिख रहा है, मी रॉन्ग है। वजह क्या है कि एज के बाद, अभी आप लिखें कि एज और एज के बाद क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए। तो सब्जेक्ट क्या है, मी का आई, ये ऑब्जेक्ट था, ये सही होगा, ऊपर वाला गलत है। एक और एग्जाम्पल से आप इसे समझ सकते हैं, सी इज बेटर देन हीम। तो अगर इस क्वेश्चन में भी देखा जाए तो हीम आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इसे सही बनाने का तरीका क्या है, सी इज बेटर देन हीम का जो सब्जेक्ट होगा, तो हीम का सब्जेक्ट क्या होता है, ही, तो हमेशा इस जगह पर ही रखना है, सब्जेक्ट ही रखना है। तो नियम आपको ये याद रखना होगा कि एज और एज, सो एज, देन रहेगा तो हमेशा सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा रूल यह रहेगा कि यदि कोई कंपैरेटिव डिग्री, यदि कोई कंपैरेटिव डिग्री ई आर से बना हो, ई आर लगा के बना हो, जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं टॉल ही, टॉल में ई आर लगा, टॉलर तो खुद कंपैरेटिव है, तो जब यह टॉलर कंपैरेटिव है तो हम इसे मोर टॉलर न लिखें, यानी टॉलर आपका खुद एक कंपैरेटिव डिग्री है और मोर लगाने से ये डबल कॉम्परेटिव हो गया, यानी ये वाला मेथड रॉन्ग है, ठीक है। मेथड क्या होगा कि सिर्फ टॉलर और इसके बाद आप देन लगा सकते हैं, देन तो लगेगा ही, ठीक है, लेकिन याद रहे कि ईआर वाले जितने भी एडजेक्टिव होते हैं उसके पहले मोर का इस्तेमाल नहीं होता है। ज़्यादातर एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है, देखने में सही तो लगता है लेकिन होता है गलत, ठीक है। अब इससे भी एक एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल हो गया ही इज मोर टॉलर देन आई, तो इसमें रॉन्ग कहाँ है, देखिए देन के बाद आई सब्जेक्ट लगा है ये तो सही है, लेकिन इसके पहले अगर देखें तो टॉलर एक कॉम्परेटिव डिग्री है जो कि खुद ईयर लगने से कॉम्परेटिव बन चुका है, तो इसके पहले मोर लगाने का कोई भी मतलब नहीं है, यानी ये रॉन्ग है। ही इज टॉलर देन आई ये कंप्लीट सेंटेंस है, इसमें मोर का यूज नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये दो इम्पॉर्टेंट रूल हुए। देखिए नेक्स्ट रूल है कि यदि एंड के पहले पॉजिटिव डिग्री का यूज किया गया हो तो एंड के बाद भी पॉजिटिव डिग्री का यूज किया जाएगा, यदि एंड के पहले कंपैरेटिव डिग्री का यूज हो तो बाद में भी कंपैरेटिव डिग्री का यूज होगा, यदि एंड के पहले सुपरलेटिव डिग्री का यूज हुआ हो तो एंड के बाद भी सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया जाएगा। तो इस बात को भी आपको याद रखना है कि किसी कंजंक्शन के पहले और कंजंक्शन के बाद सेम डिग्री का यूज किया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यदि लिखा जाए ही इज वाइज एंड गुड, तो देखिए इस एग्जांपल में मैंने लिखा वह बुद्धिमान और अच्छा है, देखिए वह बुद्धिमान है और अच्छा है, वाइज भी पॉजिटिव डिग्री हुआ और गुड भी पॉजिटिव डिग्री हुआ, ठीक है। अगर हम इसी को ऐसे लिखते हैं ही इज वाइजर एंड गुड तो गलत हो जाता, या अगर हम ऐसे लिखते हैं ही इज वाइज एंड बेटर तो भी यह गलत हो जाता, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स हुए। अब हम लोग ये सारे रूल्स से, यानी पॉजिटिव से कॉम्परेटिव और कॉम्परेटिव से पॉजिटिव बनाने वाले जितने भी अभी रूल्स हम लोग पढ़ें, इनसे एक्सरसाइज को भी करेंगे, और आप लोग उस एक्सरसाइज को जरूर ध्यान दें ताकि समझ में आए कि किस तरह से डिग्री बदल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस को लिखा हुआ है,
जिसको हम लोग पॉजिटिव या कॉम्परेटिव में बदलेंगे। हेडलाइन है चेंज द डिग्री ऑफ कंपैरिजन विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। मतलब हम लोग ऐसे इसको बदलेंगे कि मीनिंग बदलना नहीं चाहिए, यानी जो इसका अर्थ है यह नहीं बदलना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत इज नॉट एज इजी एज हिंदी। इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग पहचान कर लें कि कौन सा डिग्री में है। तो एज इजी एज को अगर हम देखें तो एज और एज के बीच में तो पॉजिटिव डिग्री आता है, मतलब यह डिग्री कौन सा हुआ, पॉजिटिव डिग्री। और चूंकि यह पॉजिटिव डिग्री है तो इसे हम लोग कंपैरेटिव में बदलेंगे, सुपरलेटिव में अभी बदलना है नहीं और ना ही इसका सुपरलेटिव बदलेगा, ठीक है। तो देखिए, संस्कृत इज नॉट एज इजी एज हिंदी को जब हम लोग कंपैरेटिव में बदलेंगे तो सबसे पहले हिंदी को लिखना पड़ेगा, हिंदी, ठीक है। इज लगा है तो हिंदी के साथ हम इज लगा सकते हैं, नॉट इस जगह पर नहीं लगाएंगे क्योंकि जब पॉजिटिव में नॉट लगा है तो कंपैरेटिव में नॉट हटा देना होता है। हिंदी इज एज और एज के बीच में जो पॉजिटिव है इसका कंपैरेटिव डालना होगा क्योंकि हम लोग कंपैरेटिव में बदल रहे हैं। तो इजी का कंपैरेटिव क्या होता है, तो इजियर होता है। देखिए, ई एस आई ई आर, वाई हट जाता है, जब वाई के पहले वोवे कंसोनेंट होता है तो आई में कन्वर्ट हो जाता है, इजियर। और इजियर के साथ लगा देंगे देन, एज और एज भी हट जाएगा क्योंकि कंपैरेटिव में एज और एज का यूज नहीं होता है। इजियर देन, संस्कृत जो शुरू वाला सब्जेक्ट है यह आ जाएगा लास्ट में। तो यानी इस तरह से यह आपका कंपैरेटिव डिग्री में परिवर्तन हो गया, ठीक है। हिंदी इज इजियर देन संस्कृत, ऊपर वाला था संस्कृत इज नॉट एज इजी एज हिंदी, संस्कृत उतनी आसान नहीं है जितनी कि हिंदी, ठीक है। हिंदी इज इजियर देन संस्कृत का मतलब कि हिंदी आसान है संस्कृत से, और ऊपर वाला में देखा जाए संस्कृत इज नॉट इजी, संस्कृत आसान नहीं है हिंदी से, यानी हिंदी आसान था तो नीचे भी हिंदी आसान है। अब आते हैं दो नंबर, कालिदास वाज एज ग्रेट एज शेक्सपियर। कालिदास पहला सब्जेक्ट है, एज ग्रेट एज शेक्सपियर, शेक्सपियर दूसरा सब्जेक्ट है। पहले हम लोग शेक्सपियर को ला दें, शेक्सपियर चूंकि ये नाम है, कालिदास के साथ वाज लगा है तो शेक्सपियर के साथ भी तो वाज लगेगा, तो शेक्सपियर वाज, नॉट नहीं लगा है इसमें नॉट लगाना होगा। जब कंपैरेटिव में पॉजिटिव में नॉट नहीं लगा हो तो कंपैरेटिव में नॉट लगा देते हैं। तो शेक्सपियर वाज नॉट एज, और एज तो हटाना होगा क्योंकि ग्रेट का कंपैरेटिव होता है ग्रेटर, तो ग्रेटर यहाँ पर मैंने लिख दिया, और तब देन, और इसके बाद कालिदास को हम लोग लास्ट में ला देंगे, ठीक है। तो इस तरह से इस पॉजिटिव का भी कंपैरेटिव बना। टी इज नॉट मोर टेस्टफुल देन कॉफी, अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो देखिए मोर टेस्टफुल कंपैरेटिव डिग्री, साथ में देन भी पहचान दे रहा है कि यह कंपैरेटिव है, मतलब इसका हम लोग पॉजिटिव में परिवर्तन करेंगे। तो पहले कॉफी को, नियम वही रहेगा कि सब्जेक्ट बदलेगा, इज है तो इज लगा, नॉट है तो इसमें नॉट नहीं लगाना है, कॉफी इज। मोर टेस्टफुल को यदि हम लोग पॉजिटिव में बदलें तो एज टेस्टफुल एज देन हट जाएगा और फिर आ जाएगा आपका लास्ट में टी, ठीक है। तो यानी यह कंपैरेटिव डिग्री में था, इसका क्वेश्चन जो था यह कंपैरेटिव में था और हम लोग इसको बदले क्या में, तो हम लोग इसको बदल दिए पॉजिटिव डिग्री में। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, ए वाइज एनिमी इज बेटर देन ए फुलिश फ्रेंड। ए वाइज एनिमी यानी एक बुद्धिमान दुश्मन और ए फुलिश फ्रेंड यानी एक मूर्ख दोस्त, ये सब्जेक्ट टू है और ये सब्जेक्ट वन है। पहले ए फुलिश फ्रेंड को ला देना है, ए फुलिश फ्रेंड, इज है तो इज लगाएंगे क्योंकि ए फुलिश फ्रेंड भी सिंगुलर है, इज लगा, नॉट ऊपर नहीं है तो नीचे नॉट लगा देंगे। बेटर देन को तो हटाना है, बेटर के लिए पॉजिटिव चाहिए तो एज पॉजिटिव डिग्री होता है गुड बेटर का, एज देन हट जाएगा और लास्ट में आ जाएगा ए वाइज एनिमी, ठीक है। तो यहां पर ऊपर वाला कंपैरेटिव था, नीचे वाला पॉजिटिव बना। एंड लास्ट, ही रन्स एज फास्ट एज यू, चूंकि फास्ट
और एज और एज से पता चल रहा है कि यह कौन सा डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री है, और हम लोग बदले क्या में इसको कॉम्परेटिव में है। लेकिन यह टेंस में प्रजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड हो गया। तो देखिए इसमें यू पहले लाएंगे, इसमें ई जे एम आर नहीं है, सीधे वी फाइव है, तो यू के साथ वी फाइव नहीं लगता है, वी वन लगता है। ही के साथ रन्स वी फाइव है, यू के साथ वी वन लगता है। ध्यान रहे कि इसका भी निगेटिव बनाना है क्योंकि नॉट लगा नहीं है, तो यू के साथ हम लोग नॉट के लिए डू लेंगे, यानी यू डू नॉट। रन्स के बाद इसमें रन हो जाएगा क्योंकि डू नॉट के बाद वी वन का यूज किया जाता है, ये टेन से रिलेटेड एग्जाम्पल है। यू डू नॉट रन, एज और एज हटेगा, फास्ट का हो जाता है फास्टर, देन, और जो ही है लास्ट में चला जाएगा ही। ठीक है, यू डोंट, ये डू नॉट रन फास्टर देन ही। तो ये अभी पांच क्वेश्चन का मैंने आप लोगों को सॉल्यूशन दिया। इसके बाद कुछ और पॉजिटिव डिग्री मैं अभी लिख रहा हूँ जो कि इन सब से भिन्न होंगे। यानी इस पॉजिटिव डिग्री को अगर देखा जाए, जैसे कि पहला नंबर जो पॉजिटिव क्वेश्चन है, संस्कृत इज नॉट एज इजी एज हिंदी, इसका कॉम्परेटिव तो बना सकते हैं लेकिन सुपरलेटिव नहीं बना सकते हैं। वजह क्या है, क्योंकि इसमें दो सब्जेक्ट का कंपैरिजन किया गया, समानता दिखाया गया है, तो ऐसे का सुपरलेटिव हम नहीं बना सकते हैं। सुपरलेटिव कुछ ऐसे अलग प्रकार के पॉजिटिव डिग्री का हम लोग बनाते हैं, तो वैसे पॉजिटिव को भी हम लिखेंगे और वैसे का भी सुपरलेटिव तो बनाना नहीं है लेकिन कॉम्परेटिव बनाना अभी हम सिखाएंगे। तो अब मैं पॉजिटिव डिग्री के भिन्न भिन्न प्रकार के जो टाइप्स होते हैं उनको बताने जा रहा हूँ और उसका कॉम्परेटिव। ठीक है, तो देखिए पहला जो टाइप होगा जो कि अभी तक हम लोग सीखते आ रहे हैं, ही इज एज ग्रेट एज हिज ब्रदर। ये पॉजिटिव डिग्री में है क्योंकि यहाँ पर ग्रेट पॉजिटिव डिग्री का वर्ड है। नंबर दो यानी दूसरा टाइप, नो अदर बॉय इज एज ग्रेट एज हिज ब्रदर। और इसमें अगर देखा जाए तो इससे बिल्कुल अलग है, यहाँ पर नो अदर लगा हुआ है जबकि ऊपर वाला में ही लगा हुआ है। ऊपर वाला में ही और हिज ब्रदर दो सब्जेक्ट है जबकि नीचे वाला में एनालिसिस हिज ब्रदर की हो रही है। ठीक है, यानी मेन सब्जेक्ट हिज ब्रदर है। थर्ड नंबर पे आते हैं, वेरी फ्यू बॉयज आर एज ग्रेट एज हिज ब्रदर। इस वाक्य का भी मेन सब्जेक्ट हिज ब्रदर है जिसके बारे में एनालिसिस हो रहा है, और इस सेंटेंस की शुरुआत देखिए वेरी फ्यू से हुई है, यानी ये तीसरा टाइप हुआ। चौथा टाइप, सम बॉयज आर एट लीस्ट एज ग्रेट एज हिज ब्रदर। और यदि इस क्वेश्चन में देखा जाए तो इसका भी मेन सब्जेक्ट हिज ब्रदर है, और इस सेंटेंस को देखा जाए तो ये सम से शुरू किया गया है। तो यानी जो पहला सेंटेंस है पॉजिटिव डिग्री का, ये चारों पॉजिटिव डिग्री ही है, लेकिन जो पहला सेंटेंस है, ऐसे क्वेश्चन को ज़्यादातर लोग बना लेते हैं, लेकिन ऐसे जब क्वेश्चन मिलते हैं दो तीन चार, तो ये क्वेश्चन बनाने में थोड़ी सी समस्या आती है। तो ऐसे ही क्वेश्चन को आज हम लोग बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो पहला पहले क्लियर किया जाए, कॉम्परेटिव बनाना है तो सॉल्व किया जाए। सबसे पहले हिज ब्रदर को हम लोग लाएंगे, हिज ब्रदर, इज लगा है इसमें भी इज लगा दें, नॉट ऊपर वाला में नहीं है नीचे वाला में नॉट लगा देंगे, एज और एज को हटाकर ग्रेट का कॉम्परेटिव डिग्री ग्रेटर में बदल देंगे, और कॉम्परेटिव डिग्री के साथ हमेशा देन लगेगा ये बताया जा चुका है, और तब लास्ट में हम लोग ही को ला देंगे। ये कंप्लीट हो गया। देखिए ऊपर वाला वाक्य है, ही इज एज ग्रेट एज हिज ब्रदर, वह उतना ही महान है जितना कि उसका भाई, मतलब उसका भाई और वह दोनों महान है। नीचे देखिए, हिज ब्रदर इज नॉट ग्रेटर देन, यानी उसका भाई
उससे ज़्यादा महान नहीं है, मतलब क्या कि दोनों ही महान है, कोई इसमें अधिक महान नहीं है। नीचे वाला में आते हैं, नो अदर बॉय इज एज ग्रेट एज हिज ब्रदर। इस वाक्य में देखा जाए तो नो अदर के बाद देखिए बॉय जो लगा है, क्योंकि नो अदर हमेशा सिंगुलर नाउन लेता है, ये एडजेक्टिव है। वेरी फ्यू भी एडजेक्टिव है जो कि प्लूरल नाउन को लेकर आता है। तो ऊपर वाला नो अदर वाला जब भी सेंटेंस मिलेगा तो ये आपको लॉजिक याद रखना पड़ेगा कि यदि किसी सेंटेंस की शुरुआत नो अदर से की गई है तो हम लोग इसका कॉम्परेटिव कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हिज ब्रदर यानी जो मेन सब्जेक्ट है उसको लाना होगा। देखिए हिज ब्रदर मेन सब्जेक्ट आ गया, साथ में एक और चीज नो अदर जो है ये निगेटिव वर्ड है, यानी ये निगेटिव नकारात्मक है। तो जब ये नकारात्मक है तो इसमें नोट लगाने की जरूरत नहीं है कॉम्परेटिव में। उसी तरह थर्ड नंबर वेरी फ्यू भी निगेटिव है, यानी इसका भी हम कॉम्परेटिव बनाएंगे तो इसमें नोट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये निगेटिव हो गया। जब निगेटिव हो गया तो नीचे वाला में नोट नहीं लगेगा। तो चलिए बनाया जाए, हिज ब्रदर इज एज ग्रेट एज को यदि हम कॉम्परेटिव में बदलें तो सेम नियम कि एज और एज हटेगा, ग्रेट का क्या होता है ग्रेटर, और ग्रेटर के साथ क्या लगेगा देन। देखिए यहां तक तो कंप्लीट हुआ, हिज ब्रदर इज ग्रेटर देन। अब यहीं पर आकर आपका सेंटेंस रुकता है, यानी ग्रेटर देन तो कंपैरिजन किया किससे जाए। तो चूंकि यहां पर तो कह रहा है कि नो अदर बॉय कोई भी ऐसा लड़का नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे नो अदर को हटाएंगे, क्योंकि इसको निगेटिव में बदलना, ऊपर वाला निगेटिव है नीचे वाला अफर्मेटिव में बदलना है, तो नो अदर तो इसमें लगेगा नहीं। तो देखिए सही क्या बनेगा, हिज ब्रदर इज ग्रेटर देन एनी अदर बॉय। तो यानी आपको ये बात याद रखनी होगी कि जब नो अदर लगा रहेगा ठीक है तो निगेटिव है, और इसका पॉजिटिव यानी सकारात्मक जो होता है वह क्या होता है एनी अदर। नो अदर के साथ बॉय लगा है, एनी अदर के साथ भी बॉय यानी सिंगुलर नाउन का ही प्रयोग किया जाएगा ठीक है। थर्ड नंबर वेरी फ्यू बॉयज आर एज ग्रेट एज हिज ब्रदर, इसमें भी बिल्कुल उसी तरह पहले हिज ब्रदर मेन सब्जेक्ट को लाया जाए, हिज ब्रदर, हिज ब्रदर के साथ चूंकि यहाँ पर तो देखिए वेरी फ्यू बॉयज आर लगा हुआ है तो हिज ब्रदर के साथ आर तो लगेगा नहीं, इज लगाएंगे। नॉट लगेगा या नहीं लगेगा पहले ही बता चुके हैं कि वेरी फ्यू नकारात्मक है, निगेटिव मीनिंग को रखता है, नॉट इसमें लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऊपर नॉट है नीचे नॉट नहीं रहेगा। हिज ब्रदर इज ग्रेट का कॉम्परेटिव ग्रेटर देन, और यहाँ पर जैसे एनी अदर से कंपैरिजन की गई थी तो जब वेरी फ्यू लगा रहेगा तो इसमें आपको याद रखना है कि मोस्ट अदर से कंपैरिजन की जाएगी, मोस्ट अदर और बॉयज है तो लास्ट में हम लोग बॉयज को रखेंगे। यहाँ भी एक चीज़ आप लोग को याद रखना होगा कि जब वेरी फ्यू आता है तो प्लूरल नाउन आएगा, मोस्ट अदर आता है तो प्लूरल नाउन आएगा, नो अदर रहेगा तो सिंगुलर नाउन आएगा, एनी अदर रहेगा तो सिंगुलर नाउन आएगा। यानी इसको आप अपने नोटबुक पर लिखेंगे कि नो अदर या एनी अदर के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर होता है, वेरी फ्यू और मोस्ट अदर के बाद आने वाला नाउन प्लूरल होता है। साथ में ये भी लिखेंगे कि नो अदर से यदि पॉजिटिव शुरू हो तो कंपैरेटिव में कंपैरिजन एनी अदर से करना है, और वेरी फ्यू से यदि कोई पॉजिटिव शुरू हो तो कंपैरेटिव में कंपैरिजन मोस्ट अदर से करना है ठीक है। अब आते हैं चौथा टाइप एंड लास्ट टाइप इसका, सम बॉयज आर एटलीस्ट एज ग्रेट एज हिज ब्रदर, इसमें भी वही काम करेंगे, हिज ब्रदर, चूंकि हिज ब्रदर सिंगुलर है इज, और ऊपर में देखिए सम जो है यह निगेटिव स्टेटमेंट को नहीं रखता है तो इसलिए नॉट लगाना होगा, हिज ब्रदर इज नॉट, एटलीस्ट को हटा देना है, एज ग्रेट एज को यदि हम कॉम्परेटिव में बदलें तो हो जाएगा ग्रेटर देन, और अब यहां पर हम लोग जो कंपैरिजन करेंगे वह सम अदर से कर देंगे, सम रहेगा तो क्या से कर देंगे सम अदर से, और सम अदर के साथ भी प्लूरल नाउन का यूज किया जाएगा बॉयज ठीक है। यानी इसका कॉम्परेटिव बना हिज ब्रदर इज नॉट ग्रेटर देन सम अदर बॉयज ठीक है। तो यानी इसमें आपको क्या याद रखना है कि सम के बाद प्लूरल नाउन, सम अदर के बाद भी प्लूरल नाउन, यदि
पॉजिटिव सम से शुरू हुआ है तो कंपरेटिव हम लोग कंपरेटिव में कंपैरिजन किससे करेंगे, सम अदर से करेंगे, ठीक है। तो ये आपका पॉजिटिव से कंपरेटिव यानी पॉजिटिव के जितने भी सेंटेंसेज होते हैं उसके टाइप हैं, कंपरेटिव बनाना मैंने आप लोगों को सिखाया। अगले वीडियो में फिर इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे।